फाइनली गाइस, पासपोर्ट मिल गया भाई फाइनली। मतलब मेनली दो ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एक हो गया दूसरा भाई वो 10 से 12 डेज में मेरा स्टैम्प, और स्टैम्प होके भाई मेरा वीजा आ चुका हुआ है बिना किसी पैसे। सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई यार ये वाला व्लॉग ना मैंने बहुत टाइम पहले डाला था यूट्यूब पे, और हुआ क्या था भाई यूट्यूब से मेरा ये वाला व्लॉग डिलीट हो गया था, क्योंकि किसने किया था, यूट्यूब ने किया था भाई। 15,000 व्यूज होने के बाद यूट्यूब बोला कि भाई ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है वीडियो। तो मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें भी की, चैट भी की मैंने उनके साथ और उनकी टीम के साथ। उन्होंने बोला भाई, मैंने कहा यार क्यों यार ऐसा क्यों डिलीट, क्योंकि आपने 15,000 व्यूज तक आपको नहीं पता चला था ऐसा चीज़ जो भी है। तो भाई उन्होंने मेरे को साफ से बोला कि भाई आपकी ना पासपोर्ट की थोड़ी सी डिटेल दिख रही थी, वहाँ पर आईडी दिख रही थी, तो ये आपके लिए ही नुकसान है इसलिए हमने डिलीट। तो मैंने कहा चल यार अब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं आएगी वीडियो, तो कोई बात नहीं। बाकी फिर मैंने डाली भी नहीं वीडियो दोबारा। अब ये वीडियो मैं फेसबुक पे मैंने डाली हुई है, फेसबुक से मैं डाउनलोड करके इसकी थोड़ी सी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन वीडियो भाई बहुत ही हेल्पफुल है। 15,000 लोगों ने इसको देखी थी, तो कुछ तो भाई बढ़िया होगी ना वीडियो, इसलिए मैंने ये दोबारा डाल दिया। और पासपोर्ट स्टैंपिंग भाई 100% 0 रुपये में मैंने करवाई थी, 0 रुपीस, ठीक है। तो ये वाली वीडियो आप देखो एंड तक और बताना कैसी लगी, और मिलते हैं ऐसे ही बड़े बड़े ब्लॉग्स में। और बाकी वीडियोस अगर देखने हो कनाडा के लिए तो वो मैंने आई बटन में दे दूंगा आपको प्लेलिस्ट का लिंक। और 0 रुपये में पासपोर्ट स्टैम्प कराओ भाई, एजेंट के मगर मत लगो। सब गाइस व्हाट्स अप, अपना आ गया पासपोर्ट भाई, अभी पासपोर्ट लेने जा रहे हैं, बाकी बातें वहां जाके करेंगे। रश में फंसे हुए हैं, इतना रश निकोदर चौक में भाई, तो बाकी बातें यार वहां पर जाके करता हूँ। ओहो होगी, ग्रीन लाइट होगी गाइस, तो मैं मिलता हूँ आपको वहीं पर, मिलता हूँ। पासपोर्ट लेके आते हैं, वहां पर ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए मैंने ज्यादा बातें नहीं की। अभी गाड़ी मैंने लगा दी हुई है, फिर से वही झंझट भाई, पीछे गाड़ी लगा के आया हूँ बहुत, तो पीछे हाथ वाली गली में यहाँ पर, ये बैक साइड है उनकी VFS की। तो भाई अपने को मेल आ गई थी कल तो नहीं, मेरे को मेल आई थी आई गेस परसों, हाँ कल बसंत पर पंचमी थी तो भाई छुट्टी थी कल, तो उन्होंने कहा भाई परसों ले जाओ। परसों मैं था अपने नानी घर, जिनको पता है भाई उन्होंने व्लॉग देखा होगा, तो कल फिर मैं आ गया अपने घर वापस। उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि भाई मैंने कहा क्यों ही आपको अब सड़कें दिखानी है। तो मेन बात कर लेते हैं यार अभी कि पासपोर्ट अपना आ गया हुआ है, स्टैंप अभी मैं लेने जा रहा हूँ, बाकी बातें देखते हैं वहां पर। एक तो अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके आना होता है, जो अपना आधार कार्ड में लेके आया हूँ, तो आधार कार्ड का फोटोस्टेट में ले आया हूँ। और भाई जो मेल मेरे को आई है कि आपका डिसीजन इनवेलप रेडी है, आप आके ले सकते हो, वो वाली मेल, और जिस दिन आप सबमिट करके गए थे उस दिन भी आपको मेल आई होगी, तो दोनों मेल का मैंने प्रिंट आउट उठा लिया। बाकी देखते हैं अंदर क्या क्या मांगते हैं वो, बाकी देख लेते हैं यार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही थी कि भाई कि मेरे 1 रुपया नहीं लगा, सब कुछ मेरा फ्री हुआ है, क्योंकि भाई बायोमेट्रिक के साथ ही VFS वाले ना फीस ले रखे हैं, तो मैंने कोई 2 वे को नहीं ली थी क्योंकि मेरा घर पास में है, तो मैं आके डायरेक्टली अपना पासपोर्ट सबमिट कर गया था और डायरेक्टली लेने जा रहा हूँ इन हैंड, तो इसलिए मेरे को कोई भी भाई पैसा नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा। वो कैसे मतलब और कितने दिनों में आया वो सारी बातें तो घर जाके बताएंगे। गर्म बहुत होगी भाई, घर जाके करते हैं बातें, बाकी घर जाके करेंगे बातें, अभी तो बस बैठे हैं। और कई लोगों ने तो नोट कर लिया कोई चीज, बाकी कोई बात नहीं, नोटिस कर ली तो कर लो, अपना बस कर जाते हैं, फिर घर जाके आपसे बात करता हूँ, खोलते हैं अनबॉक्स करते हैं। क्या था आप सभी को मैंने बताया था ना कि भाई वो कहते हैं कि कोई भी कॉल नहीं आएगी या कोई भी मैसेज नहीं आएगा, भाई एक सारी डिटेल मेरे को मेल पे आई है, सब कुछ भाई मेरे को मेल पे आती रही है, यहाँ से जहाँ गया वहीं से, फिर स्टैंपिंग के लिए गया, फिर स्टैंपिंग से वापस आया, फिर रिसीव्ड हो गया, ये सारी मेल भाई आई है। कोई भी पैसा देने की किसी को जरूरत नहीं है, बाकी घर जाके यार बातें करेंगे क्योंकि धूप बहुत हो गई है, बाकी घर जाके यार बात करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को भी गर्मी लग रही है, घर जाते हैं। पंखा लगाता हूँ यार, आज पंखा लगाता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, मौसम चेंज हो गया भाई, मौसम चेंज हो गया। चलो घर जाके कोई ना बात करते हैं यार, मिलता हूँ आपसे घर जाके मिलता हूँ। और बस मेन मैंने यही गाड़ी में मैंने को बता दूँ एक बार कि किसी को कोई भी डरना नहीं है भाई, जितना मर्जी वो डराएं कि पैसे दो ये वो, फ्री मेन सर्विस ले लो वो ले लो, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी करते हैं बात। रश देखो भाई, वो भाई दिख नहीं रहा कुछ, मुड़ने की जगह तक नहीं मिल रही मेरे को, वो एंड तक कुछ दिख नहीं रहा, मैंने तुम्हें नहीं जाने दे रहे यार, हद हो गई है, इतना ज्यादा ट्रैफिक भाई मेरे को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है इधर, है क्या भाई कुछ फंक्शन वगैरह है क्या क्या आज, मैं तो अपनी साइड पे लगा ली भाई साइड पे, मैं तो धीरे धीरे जा रहा हूँ। एम्बुलेंस को तो जाने दो यार, वो पीछे इतने हॉर्न पे हॉर्न ठोक रही है, एमरजेंसी हो सकती है कई बार भाई, मानते नहीं लोग, पीछे मैंने खाली छोड़ दिया रास्ता, मैं तो कहता हूँ भाई निकल जाए सेफली वो बस एक बार, आने दो भैया। हाँ जी भाई, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि घर जाके बात करूंगा, बाकी मैं तो अभी घर में आ चुका हूँ और अपना पासपोर्ट आ गया हुआ है, वो तो रास्ते में मैंने बताया था, बहुत ज्यादा रश था वरना मैंने कोई बात नहीं बात गाड़ी में ही कर लेनी थी,
आपके सामने अनबॉक्स कर देना, लेकिन मैंने घर आके भाई कर दिया क्योंकि अभी मैं शाम को बना रहा हूँ। और मैंने रील डाल दी भाई क्योंकि रिलेटिव्स भी आए हुए थे, तो फिर मैंने उनको भी दिखा दिया। मैंने कहा लगा दिखाता हूँ सबको, फिर बाद में कोई बोले ना कि दिखाया नहीं भाई हमको, तो ठीक है ना। तो ये अपना आ गया हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ ये। और भाई सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी, 14th पेज, ये देख लो 14th पेज स्टैम्पिंग, क्या बात है भाई। और ऐसा ना मत समझो कि भाई मेरे 14th पेज के 14 के 14 पेज भरे हुए थे, मेरे 14 के 14 पेज भाई खाली पड़े हुए थे, उन्होंने बेमतलब ही भाई 15वें पेज पे लगा दी। चलो कोई बात नहीं, होगा उनका भी कोई हिसाब, हमको कोई दुख नहीं है इस चीज का। बाकी यार अपना मैं आपको एक बड़ी स्टैम्प भी दिखाता हूँ कैसे लगी, वो साइड में फोटो लगा दिया और ऐसा भाई मिलता मेरे को। बाकी मैंने आपको तो बताया ये भाई मेरा इन पर्सन मैंने लिए थी, जो भी ली थी उनसे, कोई भी भाई मैंने ब्लू डार्ट की कोई सर्विस नहीं ली, कोई प्रीमियम सर्विस नहीं ली। और मेरे भाई जैसे आप सभी को पता है लोहड़ी वाले दिन 13th को मैं सबमिट करके आया था अपना, और मेरे को 25th को कॉल आ गई थी भाई आपका आ चुका हुआ, कंफर्मेशन कॉल आई थी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट दिखाता हूँ, इन्फॉर्म 25th को। और तब मैं आपको पता ना नहीं करता आपने, वो आपने देखे होंगे ब्लॉग पटियाला के, तो मैंने उनको कह दिया कि भाई मैं बसंत पे ले जाऊंगा, मतलब अगले दिन ले जाऊंगा। वो बोले कि नहीं बसंत पे छुट्टी है, तो 27th को मैं लेके गया हूँ रिपब्लिक डे पे उनकी छुट्टी। भाई जो भी उन्होंने मेरे को कहा था ना भाई कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली फोन पे, ना ही व्हाट्सएप पे, ना ही जीमेल पे, भाई मेरे को सारी की सारी ए से लेके जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन आई है। जब यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली के फिर ISCC ऑफिस में गया, फिर ISCC से मेरा पासपोर्ट स्टैंप होकर घर वापस आया, तो मेरे को सारा कुछ भाई उन्होंने मेरे को बताया। इधर मेरे को मैसेज आए थे सारे, और सारा ट्रैकिंग मेरे को आया था, और ट्रैक भी कर सकते हो, वो भी किसी को वीडियो चाहिए होगी कि ट्रैकिंग कैसे करनी है भाई। वैसे तो सिंपली वो लिंक दे देते हैं, वहां से आप अपना ID नंबर डाल के ट्रैक कर सकते हो। बाकी तो बाकी बस यही थी बातें भाई, और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं ये चाहूंगा भी कि भाई आपके साथ शेयर करूं कि भाई को किसी को भी प्रीमियम सर्विस लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा होता है भाई प्रीमियम सर्विस है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी आ जाएगा। जैसा आप गैस कर सकते हो मेरा 10 से 12 डेज में मेरा स्टैंप होके वापस आ गया, 13th को मैंने सबमिट किया था लोहड़ी वाले दिन, और मेरा 25th को आ गया था, तो आप देख लो कितने दिन, 10-12 दिन हुए गैस। तो बस ऐसा ही था भाई, वो कहते ब्लू डार्ट की ले लो आप सर्विस, मैंने कहा मेरे को चाहिए नहीं ब्लू डार्ट, क्योंकि भाई मेरा जो BFS है ना वो तो चौंक में है जलंधर में, तो मेरा तो घर के पास ही था, तो मैं जाके मेनली दो ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एक हो गया अपना आधार कार्ड, और दूसरा भाई वही क्या कहते हैं उसको, जो ईमेल आपको आएगी कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, वो वाली दोनों आप फोटो स्टेट करा के ले जाना, फोटो कॉपी। मेरे को पता है कि भाई कोई भी यूट्यूब पे ना आपको सच नहीं बताएगा, जो सच मैं बता रहा हूँ ना यूट्यूब पे, वो कोई नहीं बताएगा आपको कि भाई 1 रुपया भी नहीं लगता। बस मिलते हैं यार आपको अगली वीडियो में, और कोई भी किसी को डाउट हो तो मेरे को यार कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं सबकी हेल्प करूंगा। और पिछली वीडियो में मैंने जितने भी कमेंट्स आए थे भाई कि कैसे करना है कैसा नहीं करना, वो सारा मैंने बता दिया था, आप लोग देख लेना वो वाली वीडियो भी, अगर किसी को डाउट हो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में यहाँ ऊपर भी दिख रहा होगा, यहाँ जहाँ भी दिखता है वहाँ मैं लगा दूंगा, तो आप लोग वो भी देख लेना। तो बाकी बस यार 13th को मैं देख गया और 25th को आ गया बिना कोई पैसा लगा, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा भाई। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपको कि जब मैं सबमिट करके आया था तब भी मेरा 1 रुपया नहीं लगा, और स्टैंप होके भाई मेरा वीजा आ चुका हुआ है बिना किसी पैसे, VFS के 1 रुपया भी नहीं डिमांड करता वो, तो चलो कोरियर सर्विस होती है जो प्रीमियम सर्विस लेते हैं लोग, बाकी उसकी जरूरत नहीं भाई कोई भी प्रीमियम सर्विस की मेरे हिसाब से तो, बाकी जो भी है। और भाई ने रूम भी रेनोवेट करवा लिया हुआ, तो अपना वीडियो आपसे यहीं पर बनेगी, चेक करो ऊपर लाइटिंग वगैरह सब कुछ करा लिया भाई, तो इसका भी देख लेंगे किस दिन रूम दे रहा हूँ दे देंगे, बाकी आगे वीडियोस में तो आपको दिखी जाना रूम। तो बस यही थी बातें, तो कोई भी कमेंट करके मेरे से डाउट ले लेना यार, जो भी डाउट हो, क्योंकि भाई कोई भी बात दिल में मत रखना, जो भी हो सब कुछ कमेंट में डाल देना, बाकी बातें तो हम कमेंट में ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा लेट हो गए हैं, और विस्टर वीजा की वीडियो भी मैंने बनानी है, बस आजकल में वो भी आ जाएगी, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड, और विस्टर वीजा की वीडियो के लिए भी रेडी रहो, उसमें भी काफ़ी क्लासेस आने वाले हैं। तो मिलते हैं यार आपको इस बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और लाइक शेयर करके कमेंट करके और अपने दोस्तों को शेयर कर देना यार, जिनको भी VFS जिनका भी वीजा आ गया उनको स्टैंपिंग के लिए देना है, तो उसको वीडियो जरूर शेयर करना, बाकी यार सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आपको मिल जाए जल्दी जल्दी, और बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आप ही देखो, ठीक है ना। बाय बाय, लव यू, और मिलते हैं भाई अगले वीडियो। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, अपनी टिकट वगैरह की वीडियोस भी आई हुई हैं चैनल पे, टिकट की वीडियो भी देख लेना कैसी सस्ती करवानी है कैसी नहीं, उसमें भी आपको इजीली सर्च करोगे ना टॉप। भाई प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है कनाडा की, कनाडा की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हो।